हरियाणा में विधानसभा चुनाव में अब कुछ महीने ही बाकी हैं। ऐसे में प्रदेश में चुनावी हलचल तेज है। रादौर विधानसभा में भी आए दिन चुनावी मैदान में दावेदारों की एंट्री जारी है। आज रादौर में वरिष्ठ कांग्रेस नेता निलय सैनी ने पत्रकार वार्ता कर रादौर से कांग्रेस की टिकट पर अपनी दावेदारी पेश की। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश सरकार पर भी कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस नेता निलय सैनी ने कहा कि आज प्रदेश का हाल बेहाल है। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी के कुशासन से जनता त्रस्त है। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की आए दिन धज्जियां उड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के शासन में अपने हकों के लिए किसान, मजदूर, कर्मचारी, खिलाड़ी, हर वर्ग सड़कों पर उतरने पर मजबूर हुआ है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुखिया नायब सैनी अब लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, जबकि यह केवल चुनावी जुमले हैं। वह अपनी ही सरकार के फैसलों को बदलकर जनता की हमदर्दी लेने का प्रयास कर रहे हैं। अगर नायब सैनी अपने पूर्व मुख्यमंत्री के फैसलों को बदल रहे हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जनता के ऊपर गलत फैसले थोपने के लिए माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के पास बहुत मुद्दे हैं जी। प्रदेश में जो हाल है, हाल क्या बेहाल है बिल्कुल। आज बहुत सी परिस्थितियां इतनी खराब है कि आपने लोकसभा चुनाव में देखा होगा कि जनता सड़कों पे थी। पार्टी, कांग्रेस पार्टी तो बल्कि मैं कहूंगा थोड़ा पीछे रह गई थी, लोग आगे निकल गए थे, क्योंकि बीजेपी के कुशासन से जनता त्रस्त है। सबसे बड़ा मुद्दा तो प्रदेश में आज लॉ एंड ऑर्डर को लेके है। प्रदेश में गोलियां चल रही हैं, व्यापारियों से फिरौतियां मांगी जा रही हैं, बिल्कुल डर का माहौल है और कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। दूसरा मुद्दा इस प्रदेश का किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा है। ये जो सरकार थी बिल्कुल भी संवेदनशील सरकार नहीं रही है। आपको पता है किसान कितने समय तक दिल्ली में पड़े रहे, हमारी पहलवान बेटियां दिल्ली में पड़ी रही, सरपंच पंचकुला में प्रदर्शन करते रहे, समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं था जो सड़कों पे ना आया हो। उसके बाद भी किसी की सुनवाई नहीं थी। इस सरकार ने कभी किसी की पीड़ा को नहीं समझा। संवेदनशीलता नाम की कोई चीज ही नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई सुनने वाला है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आज नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बने हैं, वो सारे फैसले पलट रहे हैं। तो मेरी तो उनसे मांग है कि इसका मतलब 9 साल आपने कुशासन किया है, आप जो आज तक आप सुनवाई भी नहीं करते थे, उन सारी बातों को आप पलट रहे हो, तो पहले या तो मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा की जनता से माफी मांगे कि मैंने जो किया, मेरे सारे किए हुए फैसले गलत थे, और ये जो अब ये फैसले पलटे जा रहे हैं, मुझे इसमें भी कोई सीरियसनेस नजर नहीं आती, क्योंकि ये चुनावी जुमले हैं। बीजेपी पहले भी ऐसा करती रही है, अमित शाह जी ने तो पहले भी कह दिया था कि 15 लाख वाला वो तो हमारा चुनावी जुमला था। तो आज जो नायब सिंह सैनी जी घोषणाएं कर रहे हैं लोगों को खुश करने के लिए, ये सिर्फ चुनावी जुमले हैं और ये जुमले ही साबित होंगे। ये कभी भी ग्राउंड पे आके ये योजनाएं काम नहीं कर पाए। हरियाणा के ऊपर जो कर्जा था 2014 तक वो 60,000 करोड़ था। पिछले 10 साल में वो कर्जा बढ़ के 60,000 करोड़ से 3 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया। तो इस बीजेपी की सरकार ने इस प्रदेश को कर्जे में डुबोने का काम किया है, और वो पैसा कहाँ गया है? अभी हमारा कांग्रेस का कार्यक्रम चल रहा है कि हरियाणा मांगे हिसाब, उसमें हिसाब मांगने की बात हो रही है। और ये सही है कि प्रदेश में सड़कों का बुरा हाल है, बेहाल है, कहीं विकास नाम की चीज नजर नहीं आती, और प्रदेश को इतने भारी कर्ज में डुबो दिया गया, वो पैसा कहाँ गया, कहाँ बंदर बांट हुई, ये सब हिसाब मांगने की बातें हैं।